मध्य प्रदेश में हमने जब विकास की यात्रा प्रारंभ की तो सड़कों जैसी चीजों के दर्शन मुश्किल से होते थे। लोग कहते थे गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, पता नहीं चलता है। लेकिन 3 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हमने बनाई है। अभी हमारी योजना है अटल एक्सप्रेस वे की, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, जो चंबल के बिहर थे जहां कभी डकैत रहा करते थे, आपने फिल्मों में नाम सुना होगा कई बार, डाकू पान सिंह, मलखान सिंह, फूलन देवी, अब मध्य प्रदेश की धरती पर एक नहीं है कोई, सारे साफ है। और चंबल के बीहड़ों का उपयोग अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में करना चाहते हैं, इसलिए हम अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। वहां नोएडा के बहुत पास में है, 3 घंटे केवल, बल्कि अब तो 2.5 घंटे ही पहुंचने में दिल्ली से आपको लगते हैं। एक हम नर्मदा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं पूर्व से पश्चिम, अमरकंटक टू गुजरात। और ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं है, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, नई टाउनशिप, अलग तरह से जो डेवलपमेंट की कल्पना होती है उसको साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमारा इंदौर के पास, इंदौर भोपाल के बीच में हमने प्लान किया हुआ है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कृषि के क्षेत्र में देखें तो देश के अन्न के भंडार, अब पंजाब को हमने बीट कर दिया, पीछे छोड़ दिया है गेहूं के उत्पादन में। हमारा बासमती राइस यूएसए हो, कनाडा हो, वह धूम मचा रहा है। अब खेती से आगे बढ़ के फूड प्रोसेसिंग, मैं आपको बताना चाहता हूं मध्यप्रदेश की ग्रोथ रेट इस साल करंट प्राइज एज पे 19.76% है। हमारी जो जीएसडीपी थी वो 3.5 लाख करोड़ की कभी हुआ करती थी, बढ़ के अब 11.5 लाख करोड़ की हो गई है। देश की जीएसडीपी में हमारे योगदान पहले 3.6% था, 4.6% हो गया है। पर कैपिटा इनकम बीमारू राज्य की थी 13,000 पर कैपिटा, 13,000, अब बढ़ के 1,37,000 हुई है। कम है, मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसको बहुत आगे ले जाना है मुझे, लेकिन हम चाहते हैं वहां से काफी आगे बढ़े। और एक तड़फ है, एक जिद है, एक जुनून है और एक जज्बा है, हम पीछे नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो हमने आत्मनिर्भर भारत के लिए रोड मैप बना दिया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और बाकायदा इंफ्रा का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, हमने अपने लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के बच्चे, कोई भी बच्चे पढ़े, सीएम राइज स्कूल के कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं। हर जगह स्कूल नहीं, 20-25 गांव के क्लस्टर में एक स्कूल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, और आसपास से बसें लेके आएंगे बच्चों को, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में आती हैं, सवेरे लाएंगे, शाम को छोड़ के जाएंगे। क्योंकि शिक्षा के लिए मैं बेहद चिंतित हूं और उसमें हम काफी संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। अपनी आईटीआई को हमने बिल्कुल आधुनिक बनाया है, नहीं तो कभी हुआ करती थी बाबा आदम के जमाने की 3 ट्रेड हुआ करते थे सरकारी आईटीआई में, फिटर विटर और बाकी सब, दूसरी कोई चीज मिलती नहीं थी। लेकिन आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आईटीआई को हमने अपग्रेड किया है। और बाकी हमने उद्योगों से भी कहा कि जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए आप बताओ, हम वैसी तैयार करके आपको देंगे। लेकिन आज जो ये सेक्टर है जो हमारी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, और जैसी परिस्थितियां आज दुनिया की है कोविड के बाद, दुनिया भारत की तरफ देख रही है, जब राजनीतिक भौगोलिक कारण हो, रशिया यूक्रेन का युद्ध, मैं उसके विस्तार में नहीं जा, लेकिन जो अविश्वास पैदा हुआ है चाइना और बाकी देशों के प्रति, वो हमारे लिए अवसर है। उस अवसर का हम पूरी तरह से उपयोग देश के हित में करना चाहते हैं, जनता के हित में करना चाहते हैं। और इसलिए चाहे इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन स्थापित हुआ हो या भारत सरकार की बाकी योजनाएं हो, उनका भी लाभ उठा के हम कैसे इन सेक्टर्स में आगे बढ़े, इसकी योजना। मध्य प्रदेश में हमारे पास लैंड बैंक है सरकार के पास, हमारे पास लगभग 1.25 लाख एकड़ जमीन सरकार के पास से, आपको मैप पे हम दिखा सकते हैं, और आप जहां उंगली रखें हम विद इन ए वीक आपको, या आप कहेंगे कि आज ही कर दो तो बैठ के हम आज ही अलॉट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्डल नहीं है उसमें। जमीन की उपलब्धता है, बढ़ते हुए हमारे शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, देवास, उज्जैन,
अलग अलग, आपको हर जगह हमारे पास जमीन मिलेगी। दूसरी चीज 24/7 पावर हमारे पास है, पावर सरप्लस स्टेट है मध्य प्रदेश। वो जमाने चले गए जब 2-3 घंटे बिजली आया करती थी, आजकल तो दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश के सोलर प्लांट से चलती है, रीवा से भेजते हैं। तो हमारे पास पावर की कोई कमी नहीं है, पानी की पर्याप्त तो उपलब्धता है, ग्रीन हाइड्रोजन सेमीकंडक्टर बाकी सब चीजों के लिए अगर पानी लगता है तो नर्मदा जी कलकल चल चल करके बह रही है। स्किल्ड मैन पावर की बात अभी अभिजीत बता रहे थे आपको, हमारे पास है और आप जैसी कहेंगे हम वैसी तैयारी भी करेंगे, आपके साथ मिलकर भी हम तैयार कर सकते हैं। शांति का टापू है मध्य प्रदेश, 24/7 तीन शिफ्ट में हमारे यहां टेक्सटाइल गारमेंट आईटी इंडस्ट्री काम कर रही है। ये नहीं कि रात को अगर बेटियां ज्यादा काम कर रही तो कैसे आएंगी और कैसे जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैनडेज लॉस नहीं है हमारे यहां, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, ये आपको सुनने नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के लोग शांति से काम करने में विश्वास रखते हैं। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।